हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये वेजिस के बारे में बताने वाला हूँ। ये PAUT का वेजिस है और इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है AOD। ओके, AOD का मतलब है एक्सियल आउटसाइड डायमीटर। ओके, और 14 इंच ऐसा लिखा हुआ है, 14 इंच, राइट। तो इस टाइप के वेजिस जो रहते हैं, ये PAUT में कर्वेचर सरफेस है उसके लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे काफी सारे टाइप के कर्वेचर वेजिस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो है, ये मैंने ओलंपस की वेबसाइट से ये प्रिंट निकाला है। इसमें ये जो पहला वाला जो वेजिस का कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक्सियल आउटसाइड डायमीटर मतलब AOD टाइप का वेज है, राइट। तो मान लीजिए आपका कोई पार्ट है और मतलब कर्वेचर टाइप का कोई कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें आपको सर्कमफरेंशियल सीम है उसका आपको PAUT करना है, तो इस टाइप का वेज जो है वो आपको यूज करना पड़ेगा, राइट। ये AOD टाइप का वेज है। ओके, और प्रोब जो है आपको इस तरह से लगाना है, आपका सर्कमफरेंशियल जो भी वेल्ड रहेगा, ओके, उसके परपेंडिकुलर आपको प्रोब लगाना पड़ेगा। तो देखिए, ये पाइप है मेरे पास, राइट। तो एक एग्जांपल के तौर पर मैं ये पाइप आपको दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअली नॉच ब्लॉक है, जो कन्वेंशनल यूटी में DAC वगैरह बनाने के लिए ये नॉच ब्लॉक हम यूज करते हैं। तो मान लीजिए इस टाइप का कोई पार्ट है और यहाँ पे कोई वेल्डिंग है, ओके, मतलब ये एक पाइप है, इसके साथ यहाँ पे दूसरा पाइप है, दोनों का हमने यहाँ पे वेल्डिंग करके ज्वाइन किया हुआ है, राइट। तो इसका अगर मान लीजिए कि आपको PAUT करना है, तो इसके लिए ये AOD टाइप का वेज जो है वो यूज होता है। और AOD मतलब आउटसाइड डायमीटर, लास्ट जो दो वर्ड है आउटसाइड डायमीटर ऐसा लिखा हुआ है। ओके, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोब है, सॉरी, ये जो वेज है, ये आपको आउटसाइड डायमीटर में ही लगाना है, राइट। मतलब कि यहाँ पे ऊपर की साइड, जैसे ये आपका इस तरह से लगेगा, ओके, तो ये ऐसे आपको रखना है और इस तरह से आपको स्कैन करना है पूरा, राइट। इस तरह से पूरा स्कैन जो है कंप्लीट आपको करना है, राइट। और आपका जो वेल होगा वो यहाँ पे होगा, पाइप टू पाइप जॉइंट इस तरह से आपका रहेगा, राइट। तो इस तरह से ये AOD टाइप का वेजिस यूज होता है। एक दूसरा भी है मेरे पास, ओके, तो ये AOD 10 इंच ऐसा लिखा हुआ है। ओके, तो ये 10 इंच पाइप के लिए है, जो पाइप का डायमीटर है 10 इंच, उसके लिए ये वेज है। ओके, और ये वाला मैंने आपको दिखाया, ये 14 इंच वाला वेज है। तो ये 14 इंच आपका पाइप का डायमीटर है, उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग आपके पाइप के डायमीटर है, उसके हिसाब से आपको अलग अलग वेजिस जो है वो यूज करने पड़ेंगे। इसके अलावा ये ना OD के लिए है, राइट। और इसमें देखिए, कर्वेचर आप देखोगे ना, ये वेज आप आगे से देखोगे ना, तो आगे का जो जो सरफेस है थोड़ा सा आपको कव देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं। ओके, ये वाला जो सरफेस है वो कव देखने को मिलेगा। ओके, तो एक्सियल आउटसाइड डायमीटर वाले जो वेजिस होते हैं AOD टाइप के, उसमें आगे का पोर्शन है वो इस तरह से, ये आपको कव देखने को मिलेगा ऐसे, राइट। आप देख सकते हैं ये जो है आगे का फ्रंट व्यू है, वो आपको कव देखने को मिलेगा, जबकि साइड में से आप देखोगे तो ऐसा फ्लैट ही रहेगा, राइट। साइड में से देखोगे तो ये फ्लैट है, जैसे ये साइड में से आप देख रहे हैं, इधर जो है वो ये फ्लैट रहेगा। ओके, जबकि इस तरह से सामने से देखोगे तो ये कव आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। ये जो कव है वो इस केस में कितना है, 14 इंच पाइप के लिए ये हमारा वेज बना हुआ है। तो इस तरह से ये पाइप के ऊपर बैठ जाएगा, उस तरह से ये बनाया गया है। ओके, वैसे ही ये 10 इंच के लिए है, राइट। तो ये OD के लिए है, मतलब OD में आपको रखना है ये वेज। दूसरा एक रहता है, वो ID के लिए भी रहता है। ओके, मान लीजिए कि आपको ID में से स्कैनिंग करना है, जैसे पाइपलाइन वगैरह है उसमें ID में स्कैनिंग करना है, ID में प्रूफ रखना है, तो सेम इस टाइप का ही वेज रहेगा। ओके, बट इसमें जो कव रहेगा वो उल्टा रहेगा, राइट। मतलब इधर से आप देख सकते हैं, इधर इस तरह से कव है, जबकि ID वाला जो रहेगा, मतलब एक्सियल इनसाइड डायमीटर वाला AID टाइप का प्रोब रहेगा, तो यहाँ से ऐसे नीचे से ये आपका कव रहेगा। ओके, इधर देख सकते हैं, नीचे जो है सामने से ऐसे नीचे से कव रहेगा। ओके, जबकि
साइड में से देखोगे तो सेम है, मतलब ये स्ट्रेट फेस ही देखने को मिलेगा साइड में से। ओके, ये एओडी टाइप का वेज है। दूसरा जो आता है एक सीओडी टाइप के भी वेजिस मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ओके, तो सीओडी टाइप के वेजिस है, उसमें क्या रहेगा कि आप सामने से देखोगे तो ये फ्लैट सरफेस ही मिलेगा आपको। ओके, बट साइड में से देखोगे तो आपको इस तरह से कर्व सरफेस मिलेगा। और ये जो वेज रहते हैं ये आपका लॉन्जिनल सीम है उसका जॉइंट, लॉन्जिनल सीम मतलब एल सीम है उसका जॉइंट का पीएयूटी करने के लिए ये वेज यूज होते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि इस टाइप का, ये तो वैसे एओडी टाइप का है राइट, बट मान लीजिए सीओडी टाइप का वेज होता तो इस केस में आपको इस तरह से ये वेज रखना है। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कोई वेल्डिंग है जिसका आपको पीएयूटी करना है, तो वेज जो है वो आपको ऐसे रख के पूरा स्कैन करना पड़ेगा ऐसे। ओके, मतलब प्रोब और वेज का कॉन्फ़िगरेशन आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा ये डायरेक्शन में। ओके, तो इस तरह से आपको ये वेज जो है वो रखना है। ओके, तो ये आपका हो गया सीओडी टाइप का राइट, सीओडी मतलब ये ओडी में रखा है। ओके, और सामने से ये देखोगे तो इस तरह से ये कर्व देखने को मिलेगा, मतलब अगर ये सीओडी टाइप का वेज होता तो इधर से ऐसे कर्व देखने को आपको मिलता राइट। अभी के केस में ये स्ट्रेट है, बट सीओडी टाइप का होता तो ये ऐसे कर्व देखने को मिलता और यहाँ पे ये स्ट्रेट होता। ओके, और ये ओडी के लिए था। अभी आईडी के लिए देखेंगे तो ये सर्कमफरेंशियल इनसाइड डायमीटर सीआईडी ऐसा बोला जाता है। तो ये आईडी में अगर आपको जॉइंट स्कैन करना है, लॉन्जिनल सीम है आपका, तो उसके लिए ये सीआईडी टाइप का वेज जो है वो यूज करना पड़ेगा। इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे ये कर्व होगा, फ्रंट जो है वो कर्व हो, सॉरी साइड में से देखोगे तो ये कर्व देखने को मिलेगा, जबकि सामने से देखोगे तो फ्लैट रहेगा। ओके, एक स्फेरिकल के लिए भी आएगा, जैसे स्फीयर जैसा कोई सरफेस है उसका आपको पीएयूटी करना है तो इस टाइप का वेज यूज करना पड़ेगा। तो इसमें भी सेम टाइप का जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन है, बट इसमें आपका जो जैसा भी स्फीयर का डायमीटर है उसके हिसाब से आपको ये वेज जो रहेगा उसमें सेंटर वाला जो सरफेस है वो कर्व रहेगा राइट। तो ये ओडी के लिए है, इसको एसओडी टाइप का वेज बोलते हैं। वैसे ही ये आईडी के लिए, इसको एसआईडी मतलब स्फेरिकल इनसाइड डायमीटर वाला वेज जो है वो बोलते हैं। ये काफी कम यूज होता है वैसे। ओके, बट ये भी अवेलेबल होते हैं राइट। तो जनरली आप जो पीएयूटी का वेज देखते हैं राइट, वो स्ट्रेट फेस वाला देखने को मिलता है राइट। मैं आपको एक वेज दिखा देता हूं। ये जो वेज है ये आपका एकदम स्ट्रेट फेस वाला है। ओके, और कोई भी सरफेस है उसके ऊपर आप ये लगा सकते हैं। ओके, स्ट्रेट फेस है मतलब सामने से देखोगे तो भी स्ट्रेट है और साइड में से देखोगे तो भी ये स्ट्रेट है। ओके, और कोई भी फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर आप ये लगा सकते हो। ओके, इस तरह से कोई भी फ्लैट सरफेस पे आप ये लगा के स्कैनिंग कर सकते हो। तो ये फ्लैट सरफेस है, इस तरह का वेज सामने से देखने को मिलेगा। तो जनरली ये फ्लैट सरफेस वाला वेजिस ज्यादातर देखने को मिलेगा, बट आपको अगर ये भी कर्वेचर सरफेस है आपका तो इस तरह का वेज भी आपको देखने को मिल सकता है। एओडी है, सीओडी है या एसओडी टाइप का वेजिस रहता है। या आईडी के लिए ये आईडी सीआईडी और एसआईडी इस तरह का वेजिस देखने को मिलेगा राइट। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।